I'm Kanika. I'm co-founder of Cause IQ. I got into the skincare industry about two and a half years ago. अंगद एंड मैं हम दोनों अपने बेस्ट फ्रेंड्स की वेडिंग पे मिले थे। काफी फिल्मी स्टोरी है। हम जूता छुपाई पे हम लोग लड़ रहे थे और उसके बाद एक दो दिन बाद वी ही वेंट ऑन आवर फर्स्ट डेट। आफ्टर टू वीक्स ही प्रपोज्ड एंड 2019 वी गॉट मैरिड। शादी करते ही सबसे पहली चीज जो सभी की फैमिलीज में पूछी जाती है शादी में, भाई खुशखबरी कब दे रहे हो? सब कहते रहते हैं बच्चा कर लो बच्चा कर लो, तो कर ही लिया फिर हमने बच्चा। नमस्ते शाक्स। नमस्ते। माय नेम इज कनिका एंड को फाउंडर ऑफ कॉस आईक्यू। और मेरा नाम अंगद है। 1.5 साल पहले हमारी शादी हुई और तब से हम दोनों एक दूसरे को झेल रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। शादी होते ही पहला सवाल everybody started asking, when is the baby coming? So we decided to have one and that's how Cause IQ was born. This is our first born. इसको हमेशा ऐसे ही लेके घूमते हो? Oh, we would love to. Trust me. 2 साल पहले मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रही थी जहां मैंने काफी ब्रांड्स के साथ काम किया और कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी डिजाइन किए। इन 2 सालों में मैंने स्किन केयर इंडस्ट्री के बारे में काफी कुछ जाना। मुझे लगा कि हमें एक एथिकल और इंटेलिजेंट स्किन केयर ब्रांड की जरूरत है। हम एक ऐसा ब्रांड बना रहे हैं जो अपने कस्टमर्स को सही और सटीक इंफॉर्मेशन देता है, साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट्स में सारे इंग्रेडिएंट्स जरूरी मात्रा में डालता है, सिर्फ आपकी सेफ्टी और रिजल्ट्स पे फोकस रखते हैं। हमारा सनस्क्रीन एक सीरम फॉर्म में आता है जो लगाने के 10 सेकंड में ही गायब हो जाता है, लीविंग जीरो व्हाइट कास्ट। और हमने इंडिया का पहला सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट वाला विटामिन सी सीरम बनाया है। और इसमें नींबू और संतरा नहीं है। हम वो क्लेम नहीं करते हैं। हम लोग आपसे 7.5% इक्विटी के बदले 50 लाख रुपए मांग रहे हैं आज, एंड वी वुड लव यू टू बी द गॉडफादर एंड गॉडमदर शार्क्स फॉर आवर न्यूबॉर्न। Let me give you the samples I've got for you. Yes, please, please share the samples. So we've got our vitamin C serum for you and sunscreen. Okay. And that is our best-selling product. आपने कब लॉन्च किया इसको? 3 महीने हुए. 3 महीने हो. मैं actually product के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ because you know मैं इस industry से belong करती हूँ. I'm very excited about products. तो पहली बात तो आई लव द सनस्क्रीन सीरम। सिमिलरली विटामिन सी, मुझे लगता है कि यू नो मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए बोलना कि 23% है और फिर भी स्टेबल है, 2 साल शेल्फ लाइफ है, काफी अच्छा है। मुझे बस आपको कंग्रेचुलेट करना था कि आपने 3 महीने में बहुत अच्छा काम किया है। तो आपने जो आपका प्रायर एक्सपीरियंस था, यू पुट इट वेल, क्योंकि लाखों ब्रांड्स हैं पर ऐसा क्लियर packaging, communication and good quality product बहुत कम brands के पास है। Thank you. You know, a brand name में ऐसा पूरा feel आना चाहिए and consumers should love it. इसको pronunciation में सब confused हो गए, Cosic है कि Cause IQ है, तो आपने ये name क्यों choose किया? हम skincare intelligent cosmetics बनाना चाहते थे, तो नाम भाई है Cause from cosmetics and IQ from intelligence question. लेकिन customer Cause IQ बोलेगा नहीं, Cosic ही बोलेगा। मोस्टली कस्टमर्स कॉस आई क्यू बोल रहे हैं, देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल जो कॉस बोल रहे हैं। आप चार पांच लोग, थोड़ा आइडिया टाइप। हमने बीच में डैश भी लगाने का सोचा है, तो हम वो कंफ्यूज हैं। वो कॉस आई क्यू एंड आप लो आई क्यू। नहीं नहीं सर, बात सही है। मेरे को एक चीज बताओ अंगद, कनिका, आप लोग कैसे डिवाइड करते हो, क्या काम करते हो आपस में? मेरा सर फाइनेंशियल पार्ट थोड़ा सा मैं देखता हूँ। तो फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग आप देखते हो, प्रोडक्ट ये देखते हो? प्रोडक्ट एंड न्यू आइडियाज। आपने अभी तक कुछ बेचा है 4 महीने में? 11 लाख। 11 लाख खाली सारा ऑनलाइन बिकता है? 90% अमेज़न और मार्केट प्लेसेस पे। हम पिछले महीने कितना बेचा? 4.5 लाख। 3.5 लाख इस महीने। 4.5 फाइनेंस आप देखते हैं कि वो देखते हैं? पिछले महीने 3.5, इस महीने 4.5 क्लोज करेंगे। 4 महीने में आपने 4.5 लाख का बिजनेस शुरू कर दिया है, इट्स अ गुड साइन यार। ग्रॉस मार्जिन? Gross is 75%, net is 20%. Kanika और अंगद,
जी मैम। ये जो सनस्क्रीन है मुझे बहुत ज्यादा स्टिकी लगा, जब मैंने ट्राई किया मुझे इसमें ऐसे कोई डिफरेंशिएटर दिखा नहीं, जिसकी वजह से आई फेल्ट कि आप ये बेच पाएंगे, तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। ये प्रोडक्ट तो मेरे को ठीक लग रहा है, इट इज क्वालिटी वाइज देखने में इट इज इंटरनेशनल क्वालिटी, किसी को प्रीमियम प्रोडक्ट की फील आती है। मेरे को आप एक बात बताइए, मैं बोला आपका नाम बकवास है, मेरे को कोई चाइनीज टीवी का ब्रांड लग रहा है, कॉस्मेटिक का ब्रांड नहीं लग रहा है, इसको चेंज कर दो, क्या रिएक्शन है आपका? कर सकते हैं सर, प्रोडक्ट में दम है, हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, नाम इस पॉइंट पे तो जरूर कर सकते हैं, आगे चल के शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जब ब्रांड वैल्यू बन जाए थोड़ी सी। बच्चे का नाम बचपन में चेंज हो जाता है ठीक लगता है, 10th में जाके चेंज कर दिया तो उसका मजाक उड़ता है। अंगद कनिका, आप 50 लाख रुपए जो मांग रहे हो किसके लिए मांग रहे हो? सर मेनली मार्केटिंग के लिए। तो आपका प्रॉफिटेबल नहीं है बिजनेस? सब यार ब्रेक इवन है, बट हम वो ब्लास्ट नहीं कर सकते। पेड मार्केटिंग नहीं है? नहीं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग। चलो मैं आपको एक ऑफर करता हूँ, आई थिंक यू आर एट द बिगिनिंग, इसमें बहुत काम है, पोजीशनिंग, सेल्स, मार्केटिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। आई विल गिव यू द 50 लाख, बट आई वांट 20% ऑफ द कंपनी। एक्चुअली आप जानते हैं कि मैं शुगर ग्रो किया है एंड मुझे ये कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, एंड आपने बहुत करेक्ट यू नो पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट पकड़ा है, इसका फ्यूचर आई थिंक बहुत ब्राइट है। मुझे आपकी वैल्यूएशन काफ़ी खटक रही है शुरू से, बिकॉज मैंने बहुत सारी कंपनीज देखी है स्पेस में एंड वैल्यूएशन रेवेन्यू पे होती है, तो अगर आप एक साल बाद आए बिगर रेवेन्यू पे तो आप ऐसी वैल्यूएशन मांग सकते हैं, नहीं तो अभी आ रहा था 6.5 करोड़ मतलब बहुत ही ऑफ है। बट एनीवेज मैं पहले ऑफर करती तो मैं ये ऑफर करती कि 20 लाख फॉर 20% प्लस 30 लाख ऑफ डेट 12% इंटरेस्ट। इज दैट एन ऑफर? या दैट इज यू आर मेकिंग एन ऑफर? आई एम मेकिंग। आप तो डेट लेके मर जाओगे, सोचना भी मत, डेट से बढ़िया कोई चीज ही नहीं है, इक्विटी बकवास होती है, डेट बहुत अच्छी चीज है। ये अलग अलग लोगों का मानना है। अंगद कनिका, आपको शार्प एक्सपर्टीज के लिए चाहिए या खाली पैसे? हमको बोट हेड्स बनाने हैं कॉसाई क्योंकि तो हमें वो चाहिए। नहीं नहीं वेरी गुड, हम अकेले नहीं बना सकते, वी आर श्योर अबाउट दैट। एब्सोल्युटली नहीं, मैं आपको बताऊं आपका बिजनेस सॉलिड है और सही होगा, बट मैंने अभी किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करा हुआ है, अभी करा है। तो अंगद कनिका आप लोग हो ग्रेट, मिले थोड़ी लेट। मैं कर नहीं पाऊंगा, वरना मैं अमन नहीं कर रहा, मैं करता हूं आपको, इनसे दोनों से बेटर ऑफर है। आपने 50 लाख रुपए मांगे, मैं आपको 75 लाख रुपए दूंगा। ठीक, मेरे को एक तिहाई कंपनी मेरी, 1/3 कंपनी मेरी, कोई डेट नहीं, कुछ नहीं, प्योर इक्विटी। देखो ये सब बड़ी बड़ी बातों में मत जाओ, आप तीनों साथ में आ जाओ ना, हम कुछ साथ बात का कुछ नहीं है, देखो देखो सोलो गेम है ये, कुछ बहुत बड़ा करेंगे सर नहीं, नहीं। साथ में अभी मेरी भूख ज्यादा है ना, उनको शुगर कॉस्मेटिक्स का फाउंडर चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ ये एक बात मान के चलना, कई बार क्या होता है कॉम्पिटिशन ना आप में पैसे डाल के आपको बिठा देता है, ये ध्यान में रखना बस, बाकी आपकी मर्जी, आप समझदार हो। आपने कितनी फिनटेक कंपनी में पैसे डाले हैं पहले ये बताओ। मैं बहुतों को बिठा चुका हूं, मैं बिना पैसे डाले बिठा देता हूं। मजा आ रहा है बॉस, लड़ाइयां करवा दी आपने, लड़ाइयां। I'm sorry, हम एक बार सिर्फ मैं थोड़ा ओवरवेल हो गया, मैं आपको समराइज कर देता हूं जी। मेरा ऑफर है 75 लाख रुपए एट 2.25 की वैल्यूएशन, 1/3 कंपनी मेरी जी। उनका ऑफर है, आपने जो 50 लाख मांगे थे वो दे रहे हैं, 50 लाख ही दे रहे हैं, बट वो आपसे मांग रहे हैं 20%। वो जो है वो कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं। मैम वो खिचड़ी को सॉल्व करके लेट्स कम टू या समथिंग पूरा इक्विटी एंड कैन वी, आप सारे साथ में आओ, आई विल बी मोर देन हैप्पी। ओ भाई, वो उन्होंने मना कर दिया, वो साथ में नहीं आ रहे, नहीं करना चाहते हैं, कोई
वो अकेले करना चाहते हैं। Can you give us 2 minutes? हाँ जी, हाँ जी, आप 2 मिनट ले लीजिए। Thank you. बॉस इसमें दम है। नहीं नहीं, this is very good product. That I'm not taking, though I want. मेरे को चाहिए वो, but वो debt. I know, debt वाला काम नहीं करना। भैया को call करना। वैल्यूएशन कम दे रहे हो तुम लोग, 5 करोड़ पे तो स्टार्ट होती है वैल्यूएशन यार। पांच आप तो बाहर है ना तो अभी आपकी हेल्प कर रहे हैं कि ले लो। हेल्प चाहिए नहीं है। हेलो हेलो भैया, हाय कनिका, दीपक के बोल रहा हूं। दीपक भैया उनको जाके फोन, एक मिनट है, दे दे फोन, वॉशरूम में है वो। हां दे दे उनको फोन, दे उनको पता है हमारा कॉल आएगा। 1.5 करोड़। हेलो भैया। हां जी, हमें 2 ऑफर्स हैं। ये अनुपम के साथ जाएंगे? नहीं, ये चाहते थे विनीता या मैं। ये एक्चुअली चाहते थे मुझे। मैं आउट हो गया तो अब आप। क्या कॉन्फिडेंस है बंदे का। अनुपम भाई सुनो, ये चाहते थे मुझे, अब उन्हें मैं तो मिला नहीं, तो अब उनको कॉन्सोलेशन में दो। ठीक है यार, मैं कॉन्सोलेशन प्राइज ही रहूंगा या अश्नी रहेंगे, दोनों में से एक। ऐसा कोई ठीक नहीं है। वेलकम। आप हाथ पकड़ के ऐसे आए हो, मुझे लग रहा है कुछ सपोर्ट एक दूसरे को दे रहे हो कि गिर जाएंगे हम या आप। हाँ, हम एक्साइटमेंट में। अच्छा, डैम नीट। सर, वी रियली लाइक योर ऑफर, बट परसेंटेज बहुत ज्यादा है हमारे लिए। वी डोंट नो वेयर विल गो, मतलब उसके साथ। तो डील पक्की। एक ट्विस्ट। तो यू कैन एक्सेप्ट दिस डील, बट आई विल मेक यू अनदर डील। ये अल्टरनेट ऑफर है, 50 लाख हम दोनों साथ में देंगे, लेकिन 25% लेंगे। But we both will come in. We'll put in 12.5 50 lakh. You get 2 sharks. आपको इनकी expertise मिलती है, आप जो चाहते थे वो मिल रहा है आपको। पचहत्तर लाख 25%। Wow. कहाँ जाएँ हम? सर। ये आपको सोचना। कुर्सी चाहिए, कुर्सी। आप बहुत डिमांड में हो, पहले तो आप खुश हो जाओ, थोड़ा डांस वांस करना है। अरे इट्स एन अमेजिंग ऑफर ब्रो। बॉस, ये शार्क टैंक में ज्यादा शक्कर बोलते हैं ना इसको, ये वो है। आप सिर्फ ये बता सके कि आप लोग हमारे ब्रांड को कहाँ देख रहे हैं? यार अभी हमको इंटरव्यू देना पड़ेगा। नहीं सर, मैं अपने आप को नहीं बेचता, मैं नंबर बेचता हूँ। नंबर मैं आपको दे चुका हूँ। देखो, सभी क्वालिफाइड है यहाँ पे, सब लोग ने बड़ा बड़ा काम किया, कोई यहाँ ऐसे ही नहीं बैठा हुआ है, ठीक है ना? करेक्ट। एक काउंटर सर, सेम 20%, एंड आप दोनों आ जाइए, एंड डील पक्की। वो इनके ऊपर। सीरियसली मैम, डील पक्की, हम लोग एक्साइटेड है आपके साथ काम करने के लिए। दैट इज नॉट हैपनिंग। डील कौन सी? 25% पर हमको नाम चाहिए। Well done. Good one. Check लिखना पड़ेगा हमको। Thank you ma'am. Super excited. Well done. Thank you. Good job. I've written a message behind for you as well. Thank you. All the best. मजा आएगा। Yes, we'll have fun. Good luck. Thank you once again. कुछ फर्क नहीं पड़ता।
पैसा फेंको तमाशा देख, तो ये सोच, ये सोच अगर इस पे फिसल गए होते फिर जब अश्नीर ने हमसे हायर वैल्यूएशन ऑफर किया और हायर अमाउंट भी ऑफर किया, तो मुझे लगा था कि कनिका एंड अंगद भी मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स की तरह टेम्प्ट हो जाएंगे, बट उनको गाइडेंस चाहिए थी बाय गेटिंग मी ऑन बोर्ड. आई थिंक मेरा कन्विक्शन इन बोथ ऑफ देम एज एंटरप्रेन्योर्स और भी ज़्यादा बढ़ गया. प्लस अश्नीर से डील लेने का जो मज़ा है, आई थिंक नथिंग कैन मैच दैट. तो मेरा तो दिन बन गया. मुझे लगता है कि 50% ऑफ द सक्सेस एक ही चीज से आता है और वो है परसिवियरेंस, दृढ़ता. मेरा नाम विनीता सिंह है, मैं को-फाउंडर एंड सीईओ हूँ ऑफ शुगर कॉस्मेटिक, जो यंग इंडिया की फेवरेट ब्यूटी ब्रांड है. मुझे लगता है कि मैराथन एंड एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में बहुत सिमिलैरिटीज हैं. काफ़ी बार लोग पहले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं और फिर वो क्विट कर देते हैं, पर अगर आपका गोल है कि रेस को फिनिश करना है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप मूविंग फॉरवर्ड वन स्टेप आफ्टर द अदर. अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले ज़माना, अब मैं ज़िद पे. शुगर कॉस्मेटिक्स के सक्सेस के पहले बहुत सालों तक मेरे बहुत लगातार फेलियर्स हुए. मैंने पहले सोचा था कि मैं एक लॉन्जरी ब्रांड लॉन्च करूंगी, फिर एक सर्विसेज कंपनी लॉन्च की, फिर एक ई कॉमर्स कंपनी लॉन्च की. इतने धक्के खाए, इतने रिजेक्शंस मिले, पर फाइनली जो वो ब्रेक थ्रू हुआ वो इसलिए हुआ, मुझे क्लैरिटी थी कि अगर मैंने क्विट कर दिया तो वो ही फेलियर है. उससे पहले वाले सारे फेलियर कोई मायना नहीं रखते. मैं शार्क टैंक में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स ढूंढ रही हूँ जो रेजिलिएंट हो, जो फेलियर के फेस में गिव अप ना करें. मुझे पता है कि आज लाखों एंटरप्रेन्योर्स कोविड के बाद उस मुकाम पे हैं कि वो गिव अप करने वाले हैं. शार्क टैंक के थ्रू अगर उनमें से 10% भी कैरी ऑन करें अपनी जर्नी में और गिव अप ना मारे आज, तो वो मुझे लगता है कि मेरा शार्क टैंक का मिशन उसके थ्रू अकम्प्लिश हो जाएगा. नमस्कार सार्क. नमस्ते. मैं कल्पना झा, मैं 52 साल की हूँ. नमस्कार सार्क, मैं उमा झा, 51 साल की हूँ. हम ननद भाभी की अनोखी जोड़ी. क्या बात है. हम लोग बिहार राज्य के एक छोटे से क्षेत्र, छोटा सा शहर दरभंगा से आए हैं, जो कि मिथिलांचल में पड़ता है. बिहार राज्य के लोग खाने पीने के काफी शौकीन होते हैं और वो अपने हर खाने में एक अचार को रखना पसंद करते हैं. इनके अचार में एक अलग स्वाद होता है जो आपको बाकी अचारों में नहीं मिलेगा. इसलिए हम लोगों ने इस परंपरागत रेसिपी को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए जून 2021 को मैंने अपना एक jhajistore.com का निर्माण किया. झाजी स्टोर में हम कई तरह के अचार बनाते हैं. यह सन ड्राइड है, इसमें किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव, ना ही केमिकल और ना ही आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया जाता है. इन्हीं सब कारणों से इसका अनोखा स्वाद और खुशबू उभर कर सामने आता है. अभी तक मैंने 2,500 कस्टमरों को अचार बेचा है इस 3 महीनों में और मैं अपने कंपनी से आपको 50 लाख रुपए के लिए 10% इक्विटी देने का ऑफर करती हूँ. धन्यवाद. कल्पना जी, जी क्या हमें ये खाने को मिलेगा, क्या चार टेस्ट करने को जी, मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल. अपने मिथिलांचल के ठेकुआ, गुजिया और ये अचार 3 तरह के मैंने अभी सर्व किए हैं. इसमें एक ओल जिसको सूरन भी कहा जाता है वो है, एक लहसुन मिक्स्ड अचार है उसमें, और एक आम के है, आम के मिथिला स्पेशल. बहुत ही स्वादिष्ट है. बहुत बहुत. और हर एक का टेस्ट
इतना अलग और अनोखा है, बहुत ज्यादा यमी अचार है। जी जी, मजा आ गया। जी जी, धन्यवाद। ये अचार हमारी सास, हमारी माँ ये बनाया करती थी, उनसे सीख के 30 साल तक मैं बनाती रही हूँ। बचपन से भी मैं देखती थी और मुझे शौक भी था, हमेशा हस्बैंड से मैं कहती थी सब कुछ तो अच्छा हो गया, बच्चे अच्छे सेटलमेंट हो गए, अब मैं कुछ नहीं कर पाई। तो जब रिटायर करके आया तो बोले चलो तुमको मैं कुछ पैसे देता हूँ, तुम अपना काम करो। और बेटे ने भी बहुत इनक्रेज किया ठीक नहीं आप मम्मी कीजिए, मैं मदद करूंगा मार्केटिंग में, जो भी बाहर का जो भी काम है मैं देख दूंगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, इन सबको यूज करना आना पड़ेगा। इसके लिए रोज वीडियो बनाओ, किचन में कुछ भी बना रही हो उसको रिकॉर्ड करो, उसको शेयर करो और देखो लोग कैसे उसको परसीव कर रहे हैं। ये मिथिला का जो ट्रेडिशन है, हेरिटेज है, बहुत पुराना है, वो जो स्वाद है, जो कल्चर है, जो अभी तक बाहर नहीं जा पाया है, तो उसको मैं चाहती हूँ कि ये मिथिलांचल का स्वाद जो भी है, जो मेरा ये छोटा सा भी बिजनेस है, लोग पसंद कर रहे हैं, ये बड़ा बने, ये हर घर में पहुंचे। कल्पना जी, उमा जी, मुझे आज पता क्या अच्छा लगा कि भारत में एंटरप्रेन्योरशिप की वेव जाग गई है जी, और आप स्टार्ट कर पाए हैं बिहार के छोटी से जगह से निकल के इस मंच में आ पाए हैं। इंडिया इज अराइविंग। जी जी जी, तो आप में भाभी कौन है? आप भाभी हैं? ये मेरी भाभी हैं। ये भाभी हैं, आप ननद हो। हाँ। और आप दोनों में झगड़े नहीं होते? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी हैं और 30 साल से हम दोस्त के प्यारी ननद हैं। आप जरा एक एक करके एक बाहर जाइए, दूसरा बताइए उसके बारे में, आमने सामने तो सब अच्छा हो। हाँ, और वो भी टीवी पे। वैसे ननद भाभी का रिश्ता बहुत थोड़ा टेंस वाला होता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। आपने जो नाम रखा है झाजी, ये बहुत कमाल का नाम है, बिकॉज मेरे भी एक मित्र होते थे, उनका नाम भी झा था, उनको सब झाजी ही बुलाते थे। मैं अपने हस्बैंड को भी झाजी ही बोलती हूँ। आपने अपने हस्बैंड का अचार बना दिया? जी अचार नहीं बनाया, ये मेरा डेलीगेशन है उनके लिए, जो मैं वो झाजी स्टोर खोली उनके नाम पे। अच्छा अच्छा, ऐसा ना बोले वो घर बैठ के मुझे घर में ना घुसने देंगे। बहुत अच्छे, तो ये झाजी store.com। जी जी जी, ये सब काम कैसे किया? जी जी, मेरे लड़के हैं जी, IIT से दिल्ली से पास आउट है वो। अरे वाह जी। और ये जो सारा प्लानिंग है उन्होंने ही बनाया, और ये बिजनेस अभी हम लोग सिर्फ दिल्ली और NCR में ही कर रहे हैं। तो अभी आप अचार कहाँ दिल्ली में कैसे बेचते हैं? ऑनलाइन ही बेचते हैं सर। पिछले महीने आपकी क्या सेल्स हुई? 5,14,000 था मेरा पिछले महीने का सेल, जिसमें 80,000 रुपया री कस्टमर थे मेरे। और प्रॉफिट कितना हुआ 5 लाख? मेरा ये 600 रुपया का एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, जिसमे 100। आप बहुत एफर्ट डाल के सब टर्म सीख कर आई है अपने बच्चों से। मजा आ रहा है, बड़ा मजा। आपको एवरेज ऑर्डर वैल्यू बोलते हुए सुन के हमारा दिन बन गया। कमाल। हाँ, जो ये 600 का जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, उसमें 180 रुपया मैं प्रचार के लिए देती हूँ, और 140 रुपए कुरियर का देती हूँ, और अचार का जो मटेरियल, जो मेरा पैकेजिंग और अचार का जो कॉस्ट बनता है बनाने का, वो 170 रुपए बनते हैं, और 110 रुपए जो हमारा मार्जिन बचता है। तो ऐसा मान के चले कि पिछले महीने 5 लाख में से 70-80 हजार रुपए का मुनाफा हुआ। जी जी। तो आप हमसे 50 लाख रुपया लेके इससे क्या करेंगी, कैसे अपना काम बढ़ाएंगी? तो ये पैसे जो मैं डालूंगी, इसे मैं 3 जगह मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड करती हूँ। तो शॉर्ट टर्म में मुझे तुरंत फंडिंग की इसलिए जरूरत है कि डिमांड बहुत है, मेरे पास सामान नहीं है, उसको बनाने के लिए मुझे जो अभी मैं कच्चा माल लोकल मार्केट से खरीदती हूँ तो रेट भी हाई रहता है, और इसे मैं बल्क में लूंगी, और कुछ मशीनरी चीज की मुझे जरूरत पड़ेगी ताकि मैं फास्ट काम कर सकूँ, और वेयर हाउस मैं दिल्ली में खोलूंगी, क्योंकि मुझे कुरियर में 140 रुपए लग जाते हैं छोटे शहर से दिल्ली तक पहुँचाने में। मिड टर्म में है मिथिलांचल के जो सूखी पकवान आप देख रहे हैं उसको ऐड करूं, और थर्ड में जो लॉन्ग टर्म में जो है उसके लिए मुझे एडवर्टाइजमेंट के लिए और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में तुरंत काम शुरू करना है। उसमें आप लोगों से भी मैं मदद लूंगी, सिर्फ पैसे ही नहीं मुझे चाहिए, मुझे आप लोगों का अनुभव भी चाहिए, जो मुझे मेरे कंपनी को बड़ा करने में मैं इस्तेमाल कर सकूँ। आप जरा बताएंगे आपके लड़के आपकी मदद करने के अलावा और क्या करते हैं? उनका अपने कंपनी में काम है, मेंस वेंचर्स में वो मार्केटिंग का काम करते हैं, जितने भी तरह के टेक्निकल चीज जो सर है वो उन्हीं का टीम देख रहा है, वो आगे भी देखेंगे, इसलिए मैंने उन्हें
ये 20% का इक्विटी दिया कि वो इसको बिजनेस टर्म के हिसाब से देखे, घरेलू बिजनेस के हिसाब से नहीं देखे। और इनके हस्बैंड MBA के प्रोफेसर हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे सर, क्योंकि वो भी हमारे 15% कंपनी के इक्विटी होल्डर हैं, तो उनको भी आना पड़ेगा। आना पड़ेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं दे ऐसे कैसे दे दे 15% बिना जी, काम जी, के जी, ये भाई साहब आप लोग बिजनेस का समझते हैं। गलती से हमने ले ली 10%, तो आप पता क्या बोलेंगे, 10% लिया, काम तो करना पड़ेगा। शार्क तो आप है सर, बिजनेस है और बिजनेस का टर्म कंडीशन आप लोग से ज्यादा कौन जानेगा। नहीं, बहुत बढ़िया बात है। तो एक टीम वर्क है सर, हमारे पास टीम है, तीन पिलर मेरे पास पहले से है और एक पिलर मैं आप लोगों को बनाना चाहती हूँ। आप लोग बने और हमारी कंपनी को पूरे भारत ही नहीं पूरे दुनिया में फैलाएं। तो कल्पना और उमा जी, आपको अनुभव की ज़रूरत है, और क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जिसमें मेरा बिल्कुल अनुभव नहीं है। जी जी जी, मैं आउट हूँ। मेरा तो सजेशन इसमें ये होगा कि आप इसमें पहले थोड़ा प्रॉफिट और कमाइए। जी जी। और अपना थोड़ा शेयर होल्डिंग पे ध्यान दीजिए। जी। अगर आपके बेटे ये फ्यूचर में काम करना चाहते हैं तो उनकी शेयर होल्डिंग ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा। और वो आपके बिजनेस का फ्रंट होने चाहिए। अच्छा। तब आपको शायद इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट मिलने में आसानी भी हो। जी जी। तो मेरी तरफ से अभी ना है, बेस्ट ऑफ लक। मुझे भी इस बिजनेस का कैसे उसको ग्रो करना है उसका क्लियर एक डायरेक्शन मेरे दिमाग में नहीं है। और जो आपने वैल्यूएशन मांगी है 5 crore, मुझे लगता है वो गिवन हमारा जो स्केल है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा है। तो एट दिस टाइम मैं भी आउट हूँ। कल्पना जी, उमा जी, मैं करना चाहता हूँ आपकी वैल्यू ऐड। जी 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 जी। बट हो नहीं पाएगा क्योंकि मैं ना टाइम नहीं दे पाऊंगा। अच्छा ठीक ठीक। मैं आपको बहुत बहुत लक विश करना चाहता हूँ। जी जी। और आप बहुत सक्सेसफुल रहें। जी। लेकिन आज मैं नहीं जुड़ पाऊंगा आपसे, तो मुझे माफ कीजिए। फिर से गए, दिल पेट दिमाग सब जीत लिया। सब जीत लिया। और बहुत प्यारी जोड़ी है। थैंक यू। थैंक यू। बट भाई, अगर पैसे डाल के अगर काम नहीं करता ना मेरा, ऐसे कैसे नहीं करेंगे 15% दिया। मेरे को तो लग रहा था अमन छत पे बैठ के अंबिया काट रहा होगा। एक्साइटेड हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। इनिशियल गोल यही है कि आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट ऑफ माई बिजनेस एंड लेट्स सी हाउ द शार्क्स रिस्पॉन्ड टू दैट। हाय शार्क्स, मेरा नाम सुलय है, आई एम 27 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। शार्क्स, आज मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे अवेलेबल है विच मेक यू फील ग्रेट ऑन द आउटसाइड, लेकिन अंदर का क्या? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर चड्डी बड्डी। आज आप कोई भी अपैरल परचेज करते हैं, यू विल कंसिडर स्टाइल, मटीरियल, डिजाइंस, तो फिर अंडरवेयर को हम सिर्फ एक नेसेसिटी की तरह क्यों देखते हैं, राइट? और खास करके आज की डेट में मेजर ब्रांड्स जो वही घिसे पिटे दो रंग में व्हाइट और ब्लैक अंडरवेयर बनाते हैं। शख्स, आई फील दिस इज नॉट राइट यार। इसीलिए अब आपकी सिर्फ सोशल लाइफ नहीं बट आपकी इनर लाइफ को भी एक्साइटिंग, कलरफुल और क्वर्की बनाने के लिए हमने डेवलप किया है एक अंडरवेयर ब्रांड, बमा। वाओ, इट्स रेनिंग अंडरवेयर। 2020 में शुरू हुआ बमर एक ऐसा अंडरवेयर ब्रांड है जो सुपर सॉफ्ट और सस्टेनेबल माइक्रो मोडल फैब्रिक से बना है। कंबाइंड विद एक्सक्लूसिव डिजाइंस एंड बोल्ड कलर्स, बमर इज एवरीथिंग यू नीड इन एन अंडरवेयर। शार्क्स, आज की डेट में आप और मैं मिलकर अंडरवेयर इंडस्ट्री के नए लीडर्स बन सकते हैं, इसीलिए आज मैं आपसे 75 लाख का इन्वेस्टमेंट मांगने आया हूं फॉर 4% इक्विटी इन बमर। Sharks, more than 15,000 people have already let Bummer into their pants. Are you ready to do the same? The valuation kitna hua? So we are ideally looking at about 18 crore ka valuation. 18 crore valuation. तो सुले, लवली प्रेजेंटेशन, आपका ब्रांड नेम बहुत ऑन पॉइंट है, लव द ब्रांड नेम बम्मर। और आपने कोई को-फाउंडर चड्डी बड्डी अपने साथ नहीं रखा? आई एम अ सोलो फाउंडर। आज की डेट में बम्मर को पे काम करना शुरू किए 3 साल हो गए हैं, बट ब्रांड को लॉन्च हुए सिर्फ 15 महीने हुए हैं, बिकॉज मेरे पहले 15 महीने कम से कम 100 से ज्यादा फैक्ट्रीज को विजिट करने में गए, मटेरियल्स फिगर आउट करने में गए, गेटिंग द प्रोडक्ट राइट। मैन्युफैक्चरिंग आपकी कहाँ पर? लुधियाना में।
नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नॉर्थ इंडिया में है बट लुधियाना में नहीं है। ये इंडस्ट्री तो सारी सेंटर्ड लुधियाना में है ना। लुधियाना एंड तिरुपुर एंड साउथ इंडिया आर द टू मेन हब्स। तो आपने तीसरी जगह कैसे कर ली? दिल्ली में हमें एक बहुत बड़ी अच्छी फैक्ट्री मिली थी जो क्वालिटी बहुत अच्छी दे रही थी, तो हमने उनके साथ एक ज्वाइंट वेंचर किया है जहाँ पे बमर ने उनको मशीनरी सप्लाई किया है और उसके अगेंस्ट वो लोग ने वो एक स्पेसिफिक लाइन बमर के लिए फिक्स किया है फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो कैपेक्स आपने किया? मशीनरी का कैपेक्स हमने किया, यस, अबाउट 10 लाख। 10 लाख मतलब सेल्स भी आपकी अच्छी होगी? करेक्ट, यस। क्या सेल्स है लास्ट मंथ की? लास्ट मंथ हम लोग 15 लाख का सेल किया है। ओह, व्हाट अ बमर। एंड दिस इज ओनली bummer.in वेबसाइट। हम लोग अभी तक Amazon या Flipkart या कोई भी मार्केट प्लेसेस पे नहीं गए हैं और हम लोग ऑफलाइन में भी नहीं गए हैं अभी तक। So, आपका जो 15 लाख सेल्स हुआ है उसमें गर्ल्स ने कितना खरीदा, बॉयज ने? So that is the interesting part. We have a 50-50 split between men and women. Wow. Buying these type of products. Yeah. Yes. But and those women are buying for themselves or their boyfriends. So that's exactly. So one of the most interesting aspects of our brand is that we do matching underwear for couples. Quiz on our website where you as a partner can go and you can match the same print. I feel so old suddenly. Kamal ki cheez ho tusi. Can we touch them? Yeah. So I have samples for all of you all. I'll just get them. Galat wala mat de dena. यार सजा एक चीज बताओ। yes. ये जो मार्केट है नॉर्मली यूथ मार्केट 18-24, ये बहुत फ्लर्टेशियस मार्केट होती है। ये एक ब्रांड ट्राई करेंगे फिर कुछ और ट्राई करेंगे, तो ऐसे ना आजकल यू आर नॉट द ओनली वन, जैसे आपने बोला ब्लैक और व्हाइट अंडरवेयर मिलते हैं आजकल, मिल जाते हैं ये वाला, राइट? देयर आर सम न्यू एज ब्रांड लाइक XYXX, करेक्ट, एंड दामेंश, करेक्ट, है ना, यही चीज कर रहे हैं। So, in terms of design language, Damensh का main focus है solids. Damensh आपको prints में stripes देगा और अरे वो change कर देगा. Correct. So again, आज हमारा जो सबसे बड़ा advantage आता है, जैसे कि मैंने कहा कि women are equally larger buyers. ये ठीक है, वो भी add कर देगा. I agree with you on this point, which is why it's also important of the ecosystem that we are building at Bummer, right? Ecosystem क्या होता है underwear में यार? Not only underwear, right? It's more products beyond. तो वो भी कर देगा. More products देखो, beyond. देखो इनका पूछने का मतलब है आपका differentiator क्या है? ऐसी क्या चीज़ है आप में? Correct. जो दूसरा कोई आसानी से नहीं कर पाएगा. मेरे पास वो mover advantage है. I would not say the first mover advantage, but we are already in the market. Agree. हम लोग ने एक ब्रांड बनाया है. हमारे repeat rates 30% month on month. We have 30% repeat rates because I've built this product from scratch. Product अच्छा है. जो हम प्राइस पॉइंट्स आज अचीव कर रहे हैं, अगर आज की डेट में आप देखोगे वो 700 प्लस के मार्केट में चल रहा है, व्हेयरएज वी स्टार्टेड 400 रुपीस। प्राइस में कभी नहीं खेलना चाहिए मेरे हिसाब से, राइट? प्राइस वॉर से बहुत लोग हारे हैं, करेक्ट, और जिनके पास ज्यादा पैसा होगा ना वो ज्यादा पैसे लगा के तेरे को हरा देंगे, करेक्ट। तू प्राइस गेम खेलना चाहता है या ब्रांड गेम खेलना चाहता है तेरे को डिसाइड करना पड़ेगा। ब्रांड गेम फॉर श्योर। तो तूने प्राइस क्यों बोला? तू कंफ्यूज मत हो, देख मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरे को ये कैटेगरी D2C में बहुत अच्छी लगती है, ठीक है? श्योर। बट तू जो आंसर देना ना उस पे तेरे नेक्स्ट मूव्स बहुत डिपेंड करते हैं मेरे। श्योर। ओके, मुझे प्राइस में अंडरस्टैंड करना है कि जॉकी का मटेरियल और इसमें डिफरेंस है। ये मोडाल मटेरियल है, ये 100% नेचुरल मटेरियल है, नेचुरल एंड सस्टेनेबल। बीचवुड ट्रीज है, उसके पल्प से बनता है ये फैब्रिक। पर कंज्यूमर को क्या फील हो रहा है? फिट बेटर हो रहा है या सॉफ्टर है? क्या एक्सपीरियंस में क्या चेंज हो रहा है? इट्स द सॉफ्टनेस एंड द फिट। और हर अंडरवेयर 60 ग्राम से कम वेट का है, और 60 ग्राम में आपको मैक्सिमम वेट बोल रहा हूँ जो मेंस की बॉक्सर में आता है। आप जगह अगर वुमेन्स की बिकिनी कंसिडर कर लेते हो तो वो 35 ग्राम की वेट है। सो इट बेसिकली यू ऑल्सो फील लाइक यू आर गोइंग कमांडो। ग्रेट। अरे वाह, अब ये हुई ना बात, आपकी आपकी पोजीशनिंग होनी चाहिए बमर गो कमांडो। फील्स लाइक गोइंग, फील लाइक कमांडो, नॉट गो कमांडो। तो इसमें आपका मार्जिन क्या है अभी? हमारे ग्रॉस मार्जिन्स रफली अबाउट 70% है अभी। तो जब आप शिप करते हो तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या? एवरेज ऑर्डर वैल्यू हमारी करीबन 1100 रुपीस है। आपका 770 रुपए बनता है उस पे? करेक्ट, करेक्ट। शिपिंग कॉस्ट क्या है? शिपिंग कॉस्ट ऑन एवरेज इज अबाउट 75 रुपीस। तो 700 रुपए बन जाता है पर ऑर्डर पे? करेक्ट। और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या आती है? करीबन 550 रुपीस है पर ऑर्डर। पर ऑर्डर, यस। 700 में से 550 चले गए तो
तो आपके 150 रुपए बन रहे हैं। करेक्ट, वी आर स्टार्टिंग टू मेक मनी फ्रॉम द सेकंड ऑर्डर ऑनवर्ड्स। सेकंड ऑर्डर कितना आता है आपका? फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 25% and 30% ओवर द लास्ट 6 months। इक्विटी सारी आपके पास है? इक्विटी ईसॉप पूल है हमारे पास अभी 12.5%। और कोई इन्वेस्टर नहीं है? इन्वेस्टर्स है, yes. हाँ, वो बताइए। बताओ। हम लोग ने अभी जुलाई में एक फर्स्ट वेंचर राउंड क्लोज किया है हम लोग ने। The investment was led by BNext from Singapore and we have participation from 4 angels also who are based in India only. Valuation क्या था? $1.2 million, roughly about 9 crore rupees. तो यहाँ पे double कर दिया आपने? हाँ, कैसे? क्यों? हमारा पिछले 6 महीने का ही सेल सिर्फ करीबन 80 lakh rupees है and we are expecting to double down this run rate over the next 4 months to come. मैं मेरा position बता देता हूँ। Sure. मेरी उंगलियां जल चुकी है बिजनेस में, मैंने बहुत पैसे खोए ये बिजनेस में। क्यों बताओ, तो मेरे को कैसे आपको क्यों लगता? यार मैंने एक कंपनी में डाले थे लॉन्जरे में, चली नहीं और बहुत पैसे डूब गए। हाँ। मार्केट बहुत बहुत टफ है क्योंकि मैं थोड़ा बायस्ड हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आउट होना पड़ेगा मुझे। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू अनुपम। सुजय मैं देखो ऑफर देना चाहता हूँ। Sure. मेरा एक चीज बता, मेरे को तो बंदा भी सही लगा, मेरे को तेरा बिजनेस भी अच्छा लगता है। हम लोग बट मैं उसको से पहले बता रहा हूँ, हम लोग ना हेडफोन बेचते हैं, वेरेबल बोलते हैं, वेरेबल होता है, कान पे पहनते हैं और हम घड़ी बेचते हैं, वो यहाँ बेचते हैं। अब तूने मेरे को नई चीज बिकवा रहा है जो अंडरवेयर पहनाते हैं, यू नो एवरीथिंग विच गोज ऑन द बॉडी एंड द टारगेट मार्केट जो है ना तेरी बिल्कुल परफेक्ट है 18 to 24। ठीक है, तो कोई शार्क क्यों चाहिए आपकी पार्टनरशिप से? मेनली आप और विनीता वेरी स्पेसिफिकली D2C आपने यू हैव क्रैक्ड द कोड, यू हैव क्रैक्ड द गेम। तो हम कैसे बैठे हुए यहां पे? मार्केट प्लेस कोड। बट सुलेख मेरे को एक बात बता, तेरे को ऑफर चाहिए या तेरे को किसी लोगों से ऑफर चाहिए? मेरे को ऑफर चाहिए सर, आई थिंक विद एनीवन हु कैन हेल्प मी इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग। राइट भाई, तू फाउंडर है या तू हेल्प मांगने आया? नहीं, फाउंडर हूँ, ऑफ कोर्स। फाउंडर है ना, ऑफ कोर्स। तेरे को किसी बंदे से पैसा चाहिए या पैसा चाहिए एट बेस्ट टर्म्स? उसने बताया तो मेरे से चाहिए। स्पेसिफिकली फ्रॉम अमन एंड विनीता। तो फिर भाई तू इनसे ऑफर ले, मैं आऊं। हाँ, मैं दे दूंगा, टेंशन मत ले। सुले, अगर मान लो आपको अश्नीर या नमिता से मिले और बेटर डील हो, तो आप वो प्रेफर करेंगे कि नहीं? ऑफ कोर्स। नहीं, इसने ये नहीं बोला। मैंने 3 साल में ना 1000 दिन में 3 बिलियन की कंपनी बनाई है। हिसाब लगा ले, 20,000 करोड़ रुपए बनते हैं दिन का, 20 करोड़ रुपए का धंधा बनाता हूँ मैं वैल्यू। ठीक है, करेक्ट। मैं जब धंधा बनाने बैठा था ना, मैं किसी के सहारे नहीं बैठा था, कोई नहीं होता ना तब भी बनाता धंधा। समझ रहे हैं? तो मेरे को तुम्हारी बात समझ नहीं आती कि इन्होंने ब्रांड बनाया तो मेरा भी ब्रांड बना देंगे। भाई फिर तू क्या करेगा? सर वो तेरे पे पैसा लगा रहे हैं, अपने पैसा लगा रहे हैं। अश्नीर, उसने ये नहीं बोला है। मेरे पास भी कहा है, मैंने सीधी बात सुनी है। नहीं कि बचपने की क्या बात है यार, बॉस तो बोल दो फिर यार। अगर मार्केटिंग की पिच है ना, तुम बोल दो कि मेरे को फिनटेक वाले बाहर हो जाएं, मैं हो जाऊंगा बाहर। अश्नीर, इट वाज प्योरली फॉर अ रिलेवेंट स्टैंडपॉइंट बिकॉज ऑफ द डिजिटल स्पेस जो वो लोग में है, इट इज नॉट इट। तूने ऑफर सुना? तूने ऑफर सुना? इट इज गुड फीडबैक फॉर यू एंड आई एम टेकिंग इट एज फीडबैक। टेक इट पॉजिटिव। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। अब तूने पैसा उठाया BNext से, BNext फिनटेक इन्वेस्टर है, करेक्ट? ठीक है, अब मेरे को ये मत समझा D2C है वो। तू यहां पे आके बोल रहा है मेरे को D2C का पैसा चाहिए, ले इनसे फिर। सुजय मैं तेरे को एक बताता हूं, तूने गलती क्या करी अभी। एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू रिस्पेक्ट ऑल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है? सो यू शुड हैव रिस्पेक्टेड द अदर एंटरप्रेन्योर्स हियर, ऑफ कोर्स। ठीक है, आपने नहीं करी, नहीं सुन लो। श्योर। और सब यहां पे बहुत अच्छा ब्रांड बना चुके हैं, राइट? दूसरी आपने क्या गलती करी, आपने अपना ऑफर खराब कर दिया। आज मैं आपको अगर ऐसा ऑफर दूं जो आपके लिए अच्छा नहीं है, एटलीस्ट कोई काउंटर कर देता ना आपको ऑफर के साथ, करेक्ट? तो हमने दूसरी गलती ये करी कि आपने अपने उस पे दरवाजा बंद किया, पैर पे कुल्हाड़ी मारी। आई एग्री, यू एग्री नो? सो नाउ वी आर रेडी टू गिव यू एन ऑफर। ओके, यू वांटेड 75 lakh rupees, वी आर रेडी टू गिव यू 75 lakh rupees हम लोग डालेंगे। ओके, पर हमारे को ये लगता है कि हमारी वैल्यू ज्यादा है। ओके, दोनों को 15% चाहिए होगा बेसिकली, 7.5%
फॉर दिस. इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट कि हम लोगों को भी मजा आए करने में और इसको मार्केट प्लेस में हम वो करेक्ट. कैन आई मेक अ काउंटर ऑफर? अरे इट्स योर राइट, प्लीज डू. सो अमन, थैंक यू फॉर द ऑफर. फर्स्टली नमन, नमिता, बोथ ऑफ यू ऑल, आई डीपली वैल्यू द एक्सपर्टीज दैट यू विल ब्रिंग ऑन बोर्ड, बट I would ask if you would do 75 lakhs for 6%. That is my counter offer for you. फिर तेरे अंदर से वो कड़की हुआ. अरे अपने लिए best deal लाना करनी होती है entrepreneurism. I would like to ask you again, unless before Vinita, unless you have anything to add to that. So honestly, you know, women के लिए मुझे लगता है designs can be much better. Okay. And आपकी valuation actually काफी high है. इवन द 9 crore, मैं उससे हायर वैल्यूएशन इस पॉइंट पे नहीं ऑफर कर पाऊंगी. तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट. ओके, थैंक्स विनीता. अब मैं लास्ट कर रहा हूँ. मैं तो बेस्ट वैल्यूएशन 10%, 75 लाख, बोथ शार्ट्स कमिंग इन. इससे नीचे मैं नहीं जा पाऊंगा. अब नाउ इट डिपेंड्स ऑन कि वेदर यू आर फ्लेक्सिबल और यू आर अ लिटिल अकड़ू. Can I take some yes, time to please, yeah, please you want to call somebody? Yes. Yeah, do that. Sure. But no. Product is fantastic. Look, product is good. Banda khadu hai yaar. Hello. Hi Rahul. I'm just calling you from the middle of the tank. My episode is shooting right now. Nahi akdu. Yeah, tere ko aadhe ghante mein samajh mein aa raha hai banda. Nahi, bahut badhiya design. Did you like it? Kya? I love. हमारे चेक्स रेडी है. सो नमिता, अमन, द फाइनल थिंग आई कैन डू इज 75 lakhs फॉर 6.5%. अरे 8% तो कर दे भाई, सेम हो जाएगा. डेढ़ परसेंट के लिए इधर उधर मत करो. This is a powerful team. Would you be willing to go for 7.5%? यार ये क्या? तो ये half percent के लिए तो मतलब वो सब्जी मंडी में बैठे हैं ना, आलू बैंगन का ऐसे. देख भिंडी, भिंडी के साथ धनिया फ्री मिल रहा है, सोच ले. हाँ, buy one get one free. This is a test of you as an entrepreneur. तुम यहाँ से आधे टके के लिए, आधे परसेंट के लिए आज जाओगे without a deal? But as an entrepreneur, I think Anupam, what I am also looking at that as we grow and as we scale, we'll continuously have to keep on raising rounds, and अरे that's also an aspect of अपनी ownership के लिए रोना पड़ता है. हम सब ने आधे आधे परसेंट के लिए रोते हैं. मैंने बहुत रोया आधे परसेंट. This is my sincere ask to you. If you'd be willing to do this with me, I'd be more than excited, and we can absolutely do this. चड्डी बड़ी बनोगे कि नहीं? Be my chaddi buddies. Okay, done. Let's do it. Done. Okay, amazing. Aman is the boss of this one. Aman bhai, thank you. I said that 8% se niche jaunga hi nahi main. यार बंदे ने अपने I like the fact that he fought for what he believed. और एक्विटी बहुत प्रेशियस होती है, जल्दी नहीं देनी चाहिए. सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस. थैंक यू एवरीवन फॉर दैट. थैंक यू श्री. थैंक यू. गुड लक मैन. थैंक यू. यू नो व्हाट, ही डिड द राइट थिंग बाय फाइटिंग फॉर हाफ अ पॉइंट. दैट शोड his belief and his conviction in his, in his business. Yeah. So that half a point, the way he fought. Chalo, now you're justifying your investment. No, I love it. Wo to vakti bataye. Let's do it. Chaddi buddies. Let's do it. No, vakti it's done. Love it. Love Thank it. Thank you.